या कम से कम बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, अपने अपने परिवार के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट लेके आओ। एक ऐसा करने को बड़ी बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, इन्फ्लुएंस देख के गलती होती है, एनवायरनमेंट देख के गलती है। इंसान 100 गलतियां करेगा लेकिन उन गलतियों के ऊपर अगर मंथन नहीं करे। आज जहां भी जाते हैं तो नशे के बारे में बात होती है, अखबारों में चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है, हर कोई अपने मन की जो भड़ास है नशे के ऊपर निकाल रहा है। लेकिन शायद हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत है कि आखिर ये नशा फैल क्यों रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। खासकर अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट की, अभी आप देख रहे होंगे कि इसराइल में जो कुछ हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, तो उनको देखते हुए हमारे देश में जितने भी इसराइली लोग रह रहे हैं काफ़ी समय से, उनके बारे में खबर आ रही है कि वो अपने देश वापस जा रहे हैं। दैट इज़ ए इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि ये तो तय हो सकता है कि उस इन्वायरमेंट में, उस देश में वो वापस जाएंगे तो दे गॉट डाइट, मृत्यु भी तो हो सकती है ना, लेकिन फिर भी जो देश प्रेम है वो उनको वहाँ खींच रहा है। दैट इज द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश के अंदर हुए हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो इन्वायरमेंट का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है कि इंसान को अगर सकारात्मक इन्वायरमेंट मिल जाए तब भी वो जान देने से नहीं डरता है, और अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट मिल जाए तब भी जान देने से नहीं डरता है। आप देखें, आप जितना भी आतंकवाद पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और लोग आत्मघाती बम लगाकर खुद को उड़ा रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं, लेकिन उनको ना डर, इतना सा भी डर नहीं सताता है। कारण क्या है? कारण है कि इन्वायरमेंट, दैट इज अ मोटिवेशन ऑफ इन्वायरमेंट। आज समाज के अंदर क्या हो रहा है? कोई फंक्शन होता है, कोई शादियां होती हैं, किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन होती है, तो उस सेलिब्रेशन का जो मुख्य घटक होता है वो नशा ही तो है। हम लोग बीड़ी सिगरेट को कम मांगते हैं, शराब को कम मांगते हैं, हम लोग जो है वो गुटखा खैनी इन सारी चीज़ों को हम बहुत कम मांगते हैं, और जो बड़े नशे हैं जैसे चिट्टा है, ब्राउनी है, जो कुछ होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो केमिकल नशे बड़े होते हैं और ये नशे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर नशा नशा ही है और उसका अपना एक असर है। जब हम लोग ये फील करवाएंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, कि भाई बिना नशे से इंजॉय नहीं हो सकता है, बिना शराब के इंजॉय नहीं हो सकता है, बिना बीड़ी सिगरेट से इंजॉय नहीं हो सकता है, बिना किसी नशे के जो हमारा फंक्शन है ये अधूरा है, तो सोचो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर मोटिवेशन तो रहेगी। हाँ, चॉइस अपनी अपनी हो सकती है। एक आदमी बीड़ी सिगरेट से खुश है, एक शराब से खुश है, और एक ऐसा है जो इन सब से भी खुश नहीं है, उसको फिर केमिकल नशा चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज हमें बहुत सारा एक इन्वायरमेंट है वो बदलने की जरूरत है, खासकर अपने परिवार समाज के अंदर। आप देखें, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं हमारे देश के अंदर जो नशे के खिलाफ काम कर रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो जो व्यक्ति उस संस्था का मेंबर है उसका परिवार नशे के आसपास भी नहीं है। आप देखें, बहुत सारी संस्थाएं हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने से आगे किसी को मानते नहीं हैं। दे कांट फॉलो एनी पर्सन, ना किसी को फॉलो करते हैं, ना किसी के साथ चलते हैं, ना आगे चलते हैं, ना पीछे चलते हैं। ऐसे लोग ना पूरी जिंदगी भटकाव में रहते हैं, और जब भटकाव में रहेंगे, एक अच्छे गुरु का अनुसरण नहीं करेंगे, एक अच्छी सोच का अनुसरण नहीं करेंगे, ईश्वर को नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं विकृति तो दिमाग के अंदर आएगी 100%। तो साथियों, अगर हमें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो एक प्रण तो करना पड़ेगा कि जो एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट नशे का समाज के अंदर बना हुआ है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा।